अभी आप हो जाए वाराणसी में। मैं
समाचार के रूप में कार्य करता हूँ और महिलाओं के घर सूखे से बचाने का सहयोग करता हूँ। और हमारा आपसे बस यही गुजारिश है कि कृपया अगर आपके घर में भी समृद्धि आए और बढ़ू आपके घर में शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा एक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दे रखा है और राइट टू एजुकेशन है। आप जो है अपने बहू को पढ़ने दें, जिस प्रकार से आप अपनी बेटी को पढ़ने को ले दे रही है उसी प्रकार से बहू को भी दे। इस पर आपका क्या कहना है, जानना चाहता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले वाले हमारे समाज क्या करेंगे कहूँ अगर पढ़ने जाएगी तो। आप ऐसा ख्याल क्यों रखती है, जब संविधान में अधिकार दे रखा है तो आप इस प्रकार से किसी को अपने अधिकार से वंचित कैसे कर सकती है। आप एक महिला है और महिलाओं के अधिकार को इस प्रकार से हरण आप नहीं कर सकते हैं। लोगों को बात करना चाहिए, एक महिला का अधिकार को छीना जा रहा है, मुख्य विषय यह है। लोग तो कहते ही रहेंगे महिला के अधिकार का हरण नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ने का अधिकार देती है, वो जाकर पढ़ रही है, तो आपकी बहू भी तरह से बहू को बहू के रूप में देखेंगी तो वो प्रताड़ित होते रहेंगे उनको, अगर बेटी के रूप में देखेंगी तो वो अपनी माँ के रूप में देखेंगी। बेटा तुझे तो मेरी आंखें ही खोलती सभी कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिला प्रधान देश अब हमारी बनने जा रही है। शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिना एक जड़ अधूरा, जीवन का आधार है नारी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन सपोर्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड ग्लोबल पीस, एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट ईच ईयर अ थीम फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। Now the theme for 2023 is Digit All, Innovation and Technology for Gender Equality, which highlight which महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है। यहाँ जहाँ तक महिलाएं हैं राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष भी रही है और कुछ तो वर्तमान में भी है। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। मैं संतुष्टि शुक्ला इच्छा महिला कल्याण सोच संस्थान की अध्यक्ष हूँ।
साथ में